केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहली बार ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंचे, जहां शाह का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। अमित शाह करीब एक घंटे तक जयविलास पैलेस में रुके और वहीं अमित शाह ने महाराज जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम के नई गैलरी की शुरुआत की। और इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। ये सिंधिया राजघराने के वैभव का गवाह जयविलास पैलेस है। करीब 150 साल पुरानी ये ऐतिहासिक इमारत अंग्रेजों के जमाने से ही सत्ता का केंद्र रहा है और एक बार फिर देश के गृह मंत्री इस महल को निहारने पहुंचे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का शिलान्यास करने पहुंचे अमित शाह सिंधिया के जयविलास पैलेस भी पहुंचे। अपने 5 घंटे के ग्वालियर दौरे में से शाह ने करीब 1.5 घंटा जयविलास पैलेस में बिताया। शाम करीब 5:30 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कई बड़े नेता महल में दाखिल हुए। सबसे पहले मराठी ढोल नगाड़ों के साथ शाह और बाकी मेहमानों का स्वागत हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और महारानी प्रियदर्शनी सिंधिया ने शाह के साथ साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया। शाह जब महल की तरफ बढ़ रहे थे तो साथ ही वहां मर्दानी खेल का प्रदर्शन किया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस पहुंचे। जयविलास पैलेस सिंधिया का महल है, यहां पारंपरिक और शाही अंदाज में उनका स्वागत किया। तकरीबन 40 मिनट से भी अधिक समय वो यहां पर रहे। इसके बाद शाह ने महाराज जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में नई गैलरी की शुरुआत की। इस गैलरी में मराठा योद्धाओं की गाथा दिखाई गई है। इस दौरान शाह ने पूरा म्यूजियम भी देखा और उन्हें एक एक तस्वीर के बारे में जानकारी दी गई। 1857 की महान योद्धा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का जब जब जिक्र होता है तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार का जिक्र जरूर होता है। कई बातें उनसे जुड़ी हुई हैं और कई इतिहास के पन्नों में कई आरोप उन पर हैं, लेकिन इसके इतर 160 वर्ष से भी अधिक समय बाद अब महारानी लक्ष्मीबाई को शान से जयविलास पैलेस यानी सिंधिया राजवंश के महल में याद किया जाने लगा है। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस के इस म्यूजियम में पहुंचे थे। उन्होंने एक मराठा आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। शाह ने महाराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए और दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद शाह महल के डाइनिंग हॉल भी गए, जहां मशहूर चांदी की ट्रेन को भी उन्होंने देखा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शाह को महल की एक एक खास बात बताते रहे। बाद में शाह ने सिंधिया परिवार के साथ जलपान भी किया और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुल मिलाकर जो महल हमेशा से सत्ता के बड़े चेहरों की मेहमान नवाजी करता आया है, लंबे वक्त बाद शाह के दौरे से एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हुआ है। प्रहलाद सेन, जी मीडिया, ग्वालियर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।